वृंदावन में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इस समय मचा हाहाकार है, वृंदावन के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, भीड़ इतनी आ चुकी है और इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे शासनिक प्रशासन को लगना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगी उनको जरूर आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, मंदिर बहुत सुंदर है, जगह बहुत अच्छी है, बस भीड़ बहुत ज्यादा है, तो बस उससे बच गया है, भीड़ बहुत है, बाकी मंदिर बहुत सुंदर है। बाकी बिहारी लाल की जय। और इस समय आप देख रहे हैं कि वृंदावन की हम मल्टी पार्किंग पर पहुंच चुके हैं और यहां पर कितना ट्रैफिक है और हम फंस चुके हैं इस ट्रैफिक में। आप यकीन मानिए लोग बहुत परेशान हैं। और इस समय आप देख रहे हैं बिहारी जी के वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं चैतन्य, बिहार की तरफ हम पहुँच चुके हैं इस समय और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सजावट है। और बोलो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका श्री धाम वृंदावन में। कल हमने और आपने जो आनंद लिया कि मथुरा में किस तरह से भीड़ और किस तरह का वहां पर आनंद है, लेकिन इस समय हम श्री धाम वृंदावन में खड़े हुए हैं, वो भी वृंदावन के मेन प्रवेश द्वार मेरो वृंदावन जो आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पर कितनी भीड़ है। और इस भीड़ के बीच से हम आपको आज बिहारी जी का एक एक मंदिर दिखाने वाले हैं और कैसे इस रास्ते पर आप देखेंगे कि इतना भीड़ है कि लोगों का जो उत्साह है वो अपने आप में देखने को बनता है। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये तीनों चीज आपको करनी है। और इस समय मैं मेरा वृंदावन के मेन गेट पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये गेट यहाँ पर सजा हुआ है और ये अपने आप में अद्भुत है। और जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं अंदर की तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से वृक्षों पर पेड़ों पर लाइटिंग के साथ यहाँ पर तैयारी की गई है। और अब हम श्रीधाम वृंदावन के अंदर आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे मंगला आरती से पहले यहाँ पर वृंदावन में माहौल है कृष्ण जन्माष्टमी का। और इस समय आप देख रहे हैं कि हम वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं और आप आनंद ले रहे हैं इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और मंगला आरती से पहले किस तरह से वृंदावन को सजाया गया है और इस समय जो भीड़ है आप देख पा रहे हैं कि वृंदावन में कितना जबरदस्त माहौल है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है पब्लिक से और जहाँ देखो वहाँ भीड़ जाम ही जाम। मेरे बगल में देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। और यहाँ से बाकी बिहारी जी के लिए भी स्टार्ट किया हमने ये रास्ता और आप देखेंगे कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर पेड़ों पर लाइट लगाई हुई है। और ये मेरे दोनों तरफ पेड़ देख सकते हैं आप कितना सुंदर तरीके से इस छठीकड़ा वाले रोड को यहाँ पर सजाया गया है। और इस समय हम वैष्णो देवी पर खड़े हुए हैं और आप चारों तरफ देखेंगे कितना यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और ये पूरे ट्रैफिक के बीच से निकलना बड़ा मुश्किल है। और पूरा वृंदावन का आप नज़ारा देखिए कि अभी शुरुआत हुई है और इतनी भीड़ है वृंदावन में मानो जैसे कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। अब आप सोचिए कि बिहारी जी के मंदिर तक जाना यहाँ से कितना मुश्किल है। और इस समय आप देख रहे हैं कि वैष्णो माता मंदिर पर किस तरह की भीड़ है और लोग भीड़ ही भीड़ वृंदावन में चारों तरफ दिखाई दे रही है। दर्शन काफ़ी मुश्किल है और दर्शन करना बिहारी जी का इस समय बहुत मुश्किल है। और मंगला आरती पर किस तरह की भीड़ रहेगी, यकीनन ये भीड़ कहीं बड़े हादसे को कहीं निमंत्रण तो नहीं है, क्योंकि हादसा भी हो सकता है, इतनी भीड़ है इस समय। और ये देखिए कितना ट्रैफिक जाम है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि हम बाकी बिहारी जी के दर्शन के रास्ते में हमको ये प्रियाकांत जी मंदिर यहाँ पर आ चुका है। और प्रियाकांत जी के मंदिर पर भी थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक डाउन हुआ है और हम आपको दिखाना चाहते हैं ये प्रियाकांत जी का जो मंदिर है इस समय आप देख पा रहे हैं। और इस समय मैं प्रियाकांत जी मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह की गैदरिंग है। और ये देखिए प्रियाकांत मंदिर जी का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और रास्ते में जो ट्रैफिक है इस समय वृंदावन की जो हालात हैं वो अपने आप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी गाड़ियों को यानी कि प्राइवेट गाड़ियों को वहीं रोक दिया है छठीग्रह पर, किसी को नहीं आने दे रहे हैं। और आप समझिए कि इस तरीके से वृंदावन में इस समय माहौल है, पैर रखने की जगह नहीं है और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और प्रशासन इस समय इतना सख्त है कि कहीं कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, इसलिए ये सब अपने आप में अलर्ट में चल रहे हैं। और हम भी आपको आगे की तरफ आप प्रेम मंदिर पर किस तरह का माहौल है वो प्रेम मंदिर का हम आपको दर्शन कराते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं चंद्रोदय मंदिर जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। और इस समय आप देखेंगे यहां पर जो नज़ारा है वो अपने आप में अलौकिक नज़ारा है। और ये चंद्रोदय मंदिर और यहां पर देख सकते हैं कि कितना सुंदर तरीके से यहां पर सजाया गया है और रोड इस समय खाली है। और चंद्रोदय मंदिर का मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप वृंदावन का जो आज जन्माष्टमी है उसका एक एक नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
जिसमें चंद्रोदय मंदिर का मुख्य गेट आप देख पा रहे हैं, क्या दिव्य तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। और अंदर देखिए आप, चंद्रोदय मंदिर का आपको दर्शन हो रहा होगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने को है और यह भी इसमें काफ़ी समय लगेगा। और हम इस समय चंद्रोदय मंदिर, और यह रास्ता बांके बिहारी जी का, यह रास्ता बांके बिहारी जी का, पूरे वृंदावन में इस समय भीड़ ही भीड़ है। ये चलते हैं प्रेम मंदिर की तरफ, वहाँ किस तरह का नज़ारा है। और इस समय आप देख रहे हैं बिहारी जी के वृंदावन में प्रवेश करने वाले हैं चैतन्य बिहार की तरफ हम पहुंच चुके हैं इस समय। और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सजावट है। और अब दिखाते हैं प्रेम मंदिर में किस तरह का हाल है। और इस समय आप देख रहे हैं कि वृंदावन की हम मल्टी पार्किंग पर पहुंच चुके हैं और यहां पर कितना ट्रैफिक है और हम फंस चुके हैं इस ट्रैफिक में। आप यकीन मानिए लोग बहुत परेशान हैं बिहारी जी तक जाने तक के लिए, क्योंकि इस समय इतनी भीड़ है वृंदावन में कि आप बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और ट्रैफिक से बाहर निकलने के बाद हम बिहारी जी के प्रेम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रेम मंदिर को बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कितनी भीड़ यहां पर हो रही है। और इसी भीड़ के बीच से हमको निकलना है प्रेम मंदिर के लिए। अब लोगों को यहां पैदल का रास्ता बन चुका है और बड़ी मेहनत के साथ में हमको यहां से निकलना पड़ रहा है। और ये प्रेम मंदिर यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। पूरे वृंदावन में भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ और हाहाकार मचा हुआ है इस भीड़ से। जितनी मथुरा में भीड़ है उससे ज्यादा वृंदावन में भीड़ है। और इस समय मैं प्रेम मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ और प्रेम मंदिर पर आप देखेंगे कि पैर रखने की जगह नहीं है। और मेरे पीछे डिवाइडर के इधर वाले रोड पर भी, उधर वाले रोड पर भी, दोनों तरफ चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है श्री धाम वृंदावन में जन्माष्टमी के इस उत्सव में। और आप यकीन मानिए कि इतनी भीड़ के साथ में आप देखेंगे कि जगह जगह के जो मंदिर है वो भी यहाँ पर सजे हुए हैं और हम प्रेम मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। और मेरे पिछले वाले हिस्से में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करके आ रहे हैं। पीछे की साइड में देखिए आप, और हम आपको दिखाना चाहते हैं। और ये देखिए दोनों तरफ की स्थिति आप देख सकते हैं। प्रेम मंदिर में इस समय जो भारी भीड़ है उसका हम दर्शन आपको करा रहे हैं कि कितनी भीड़ वृंदावन में इस समय है। और ये प्रेम मंदिर का नजारा है। थोड़ा आगे की तरफ भी हम आपको लेकर चलेंगे और वहां पर भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा जूम करके दिखाइए, दोनों तरफ लोग दर्शन करके आ रहे हैं और भीड़ काफी है। और हम आपको ये जो प्रेम मंदिर है यहाँ अभी थोड़ा 100 मीटर की दूरी पर है और उसके सामने का क्या माहौल है, आइए चलते हैं वहाँ का दर्शन हम आपको कराते हैं। इस समय हम प्रेम मंदिर पर खड़े हुए हैं और प्रेम मंदिर पर आप देखेंगे कि जो लोग वहाँ की बिहारी जी के लिए जाना चाहते हैं वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस समय भीड़ इतनी है कि वहाँ की बिहारी जी का दर्शन करना असंभव हो रहा है। और कह रहे हैं कि प्रशासनिक गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर कैसे पहुँच रही हैं। और मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा खड़े होकर दिखाइए। दोनों तरफ पैर निकालना, बढ़िया बैठ जाओ वीडियो। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रेम मंदिर पर आप चारों तरफ देख सकते हैं मेरे नीचे की तरफ। और ये प्रेम मंदिर के अंदर की तरफ आप देखिए कितनी भीड़ है यहां पर। और प्रेम मंदिर के अंदर जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा बाहर रोड पर इस समय भीड़ है। रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। ये प्रेम मंदिर पर हाल है। और जो लोग भारतीय बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए हैं वो यकीनन प्रेम मंदिर तक ही जा पा रहे हैं, वो नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो भीड़ है दोनों तरफ में भीड़ है और बिहारी जी का दर्शन करना असंभव है। वृंदावन में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इस समय मचा हाहाकार है, वृंदावन के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। भीड़ इतनी आ चुकी है और इसको कंट्रोल करने के लिए पूरे शासनिक प्रशासन को लगना पड़ रहा है। और इस समय प्रेम मंदिर पर ही सारी भीड़ एकत्रित है, आगे की तरफ कोई नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से बाकी बिहारी जी की जो मंगला आरती होनी है, मंगला आरती से पहले का जो नज़ारा श्री धाम वृंदावन में आप इस समय देख रहे हैं, मेरे पीछे वाले छोर पर दिखाइए, ये पीछे वाले रोड पर देखिए आप किस तरह का माहौल है। और इस तरह का नज़ारा, जबकि भगवान कृष्ण के जन्म के समय में कुछ ही समय बचा हुआ है, मथुरा में जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर प्रेम मंदिर वृंदावन में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये ज़बरदस्त नज़ारा इस समय प्रेम मंदिर पर है। लोगों को पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और बड़ी समस्या भक्तों के साथ में आ रही है कि उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस समय भीड़ का जो दबाव है वो इस समय वृंदावन में बहुत ज़्यादा है। लगता है कि मथुरा से ज़्यादा लोग वृंदावन में बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाने का आनंद ले रहे हैं। इस समय प्रेम मंदिर के अंदर का जो सीन आप देख पा रहे हैं इस समय, और ये देखिए प्रेम मंदिर के भीतर का जो प्रांगण है वहाँ पर भी भीड़ बहुत है।
और इस समय आप प्रेम मंदिर का जो आनंद ले रहे हैं, इस समय लोग जयकारे लगा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, और ब्रज में मानो भक्तों का सैलाब उमड़ चुका हो भगवान कृष्ण के 5251वें जन्मदिन में, और यहाँ पर वृंदावन में आप देख पा रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आइए कुछ भक्त लोगों से बातचीत करते हैं जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, कि उनको किस तरह का यहाँ पर दर्शन मिल रहा है। और इस समय हम प्रेम मंदिर पर खड़े हुए हैं और मेरे साथ में जो है कुछ भक्त लोग हैं जो कि वृंदावन में आए हैं। आप बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए थे? हाँ जी। तो दर्शन हुआ इतनी भीड़ में से? बहुत मुश्किल से हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो आप मंदिर जा चुके हैं कि जा ही नहीं पाए? मंदिर मतलब बाहर से ही वापस आए, गेट तक गए थे, वहाँ से आगे बहुत भीड़ थी। अच्छा, अब क्या क्या दर्शन बाकी है आपका इस समय? अभी इस्कॉन तो कर दिया है, प्रेम मंदिर आए थे, इस्कॉन से आए। प्रेम मंदिर आप जा रहे हैं? हाँ। समय आप देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ है, पहली बार आप आए? पहली बार देख रहे हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ सेलिब्रेशन जन्माष्टमी का? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। अच्छा, कुछ भी हमारे दर्शकों के लिए आप कहना चाहें इस जन्माष्टमी, अगर वो आना चाहते हैं तो आप अपनी ओर से क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगी उनको जरूर आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, मंदिर बहुत सुंदर है, जगह बहुत अच्छी है, बस भीड़ बहुत ज्यादा है, तो बस उससे बच गया है, भीड़ बहुत है, बाकी मंदिर बहुत सुंदर है। तो गुरु बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि इस समय भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन आनंद जो है वो जन्म का यहाँ पर सब लोग लेना चाहते हैं। और इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो वहाँ प्रेम मंदिर का जो एंट्री गेट है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक भीड़ पूरी लबालब यहाँ पर भरी हुई है, और ये प्रेम मंदिर का एंट्रेंस है, और प्रेम मंदिर के एंट्रेंस से लेके पूरा प्रेम मंदिर तक यहाँ पर जाम ही जाम है। और जो भक्त लोग मंगला आरती के लिए वृंदावन जाना चाह रहे हैं, उनके लिए पहुँचना भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी है कि लोग पैदल रखने की जगह नहीं है, और गाड़ी वगैरह तो सारी छठीकरा पर ही वहीं पर ही बंद कर दी गई हैं। और ये जो मेन गेट जो आप देख रहे हैं, यही लास्ट है, लोग यहाँ तक आ पा रहे हैं। वृंदावन में इतनी भीड़ है, उसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी में कुछ ही समय रह गया है, जो कि मथुरा में है, और मथुरा में इससे भी ज़्यादा भीड़ है। और इस समय हमने वृंदावन में आपको दिखाया कि किस तरीके से भीड़, छठीकरा से लेकर बांके बिहारी जी तक पूरी भीड़ ही भीड़ है। और इस भीड़ के बीच में से आज हमने आपसे दर्शन कराया वो यहाँ पर मंगला आरती से पहले वृंदावन में किस तरह का माहौल है, उसका हमने आपने जो दर्शन किया, क्योंकि मंगला आरती आज 1:30 बजे होनी है, रात के 1:30 बजे, और लोग अभी से 10 बजे से ही वहाँ पर बैठना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मंगला आरती की झलक पाने के लिए लोग जाना चाहते हैं बिहारी जी तक, लेकिन नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये आज का हमारा जो भाव था वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।